We are very, very, very excited. It's a very big, big day for us. And we hope that everyone is as excited, as we are and loves the poster as much as we. Absolutely proud. At this young day and age, to become producers is not so easy, and they have managed. It's a wonderful achievement. We are very proud of them. I mean, I can't be more prouder. The fact that they are so young, plus they are women, so a lot of things have been very hard for them, but they've achieved it, and I'm hoping that they'll achieve more. So basically, movie का नाम है The Reunions, जो इसका मतलब है कि लोग बहुत सालों के बाद, कॉलेज के बाद मिल रहे हैं, उनके लाइफ में जो हो रहा है पहले और जो अभी हो रहा है, एक दूसरे के साथ उनकी रिलेशनशिप्स और मिल रहा है, क्योंकि एक वेडिंग है, तो सारे प्रॉब्लम्स, सारे रिलेशनशिप साथ में आके क्या स्टोरी होती है उसके बाद, सबके बीच में रिलेशंस कैसे चेंज हो रहे हैं, 10 साल के बाद मिल रहे हैं और वो सब के बारे में इमोशन. प्लीज़ कम एंड वॉच द मूवी एंड प्लीज़ सपोर्ट अस बिकॉज वी आर योर यंगेस्ट प्रोड्यूसर्स एंड yeah, we hope that you'll support us. We hope you'll love our movie. Yes. It's full of fun and laughter, and we hope you'll enjoy it as much as we have. Thank you. I don't think we have any questions because we have a very open relationship. So hum sab kuch jante hain unke bare mein. So we are happy the way they are. The ones who are actually doing this, which is bravo, yaar, just absolutely amazing, and I wish them all the best of luck. So, I'm very excited for you know, Nandita and her family, for the two girls. I think it's amazing. I remember when I know Nandita through Varis. She was heading the creative thing in during you know, when we started the show, and her daughter used to come to our set, and now she's done this. It's amazing. I'm really excited for them. So better kiska naam acha laga ki uski daughter ka appearance kya hua? I don't know. I mean, I'll have to go and see, but I'm pretty sure that all of them are amazing. Creativity runs in the family, so I think I'm pretty sure that they're good. You are the director for this movie, so kya kuch kehna chahoge? Bas ek bahut hi mazedar kism ki film hai aur उन चीज़ों के बारे में बात करती है जिन चीज़ों से हम सब चाहते हैं ना चाहते हुए गुजरते हैं, गुजरना पड़ता है, और फिर कुछ एक ज़िंदगी के ट्विस्टन ऐसे होते हैं जो आपको एक चौराहे पे या एक मुकाम पे लाके खड़े कर देते और वहाँ से दो राह निकलता है, डिसाइड करना होता है कि इस ज़रिए जाना है या उस ज़रिए जाना है. तो कहानी बहुत ही दिलचस्प है, और हर फिल्मकार ये बोलता है अपनी फिल्म के बारे में कि कहानी दिलचस्प है, तभी तो बनाने की मेहनत करता है इंसान. लेकिन इस कहानी की ब्यूटी ये है कि जब आप इस फिल्म को देखोगे तो जितने भी किरदार हैं, आप उस हर किरदार में जो बहुत सारी बात है उसमें से हर किरदार में से कोई एक बात आपको ऐसी लगेगी कि जो आपके बारे में है, जो आपके साथ हो चुकी है या आप उसमें से गुजर चुके हो. और ऐसा आमतौर पे होता नहीं है, कोई एक कैरेक्टर से रिलेट करना आसान होता है, लेकिन जब कोई किसी फिल्म में 7-8 किरदार हो और 8ों किरदार से ऑडियंस को रिलेट करवाना हो तो एक बहुत बड़ा टास्क होता है. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक वो टास्क जो है वो हमने बहुत ही बखूबी और बहुत ही सूदिंगली, स्मूथली अचीव किया हुआ है, और उसकी वजह से आई वुड डेफिनेटली इंसिस्ट कि अगर मौका मिले तो हर इंसान को जाके ये फिल्म जब भी रिलीज़ हो थिएटर्स में, आपके नज़दीकी थिएटर्स में, तो जाके देखनी चाहिए, बिकॉज आपको ये हंसाएगी और हंसाते हंसाते रुलाएगी. और इन दिनों, जहाँ तक मेरा नज़रिया है, मेरा मानना है, मुझे ऐसा लगता है कि रोना एक बहुत ही बड़ी एक्सरसाइज है जो हम सब कहीं ना कहीं करने से बहुत ही दूर चले गए, और ये साइंस बोलता है कि हंसने से जितना हेल्दी इंसान होता है उतना हेल्दी रोने से होता है. तो मुझे इस बात का गुरूर है, अगर कोई देखते देखते दो आंसू बहा लेगा तो सिनेमा का, थिएटर का वही एक प्रिविलेज होता है कि कोई आपको देखता नहीं और आप रो लेते हो और आप खुश भी रहते हो. बहुत कम फिल्मकारों को ऐसा एक एक्सपीरियंस मिलता है कि जिसमें आप पहली फिल्म बनाते हो और वो फिल्म बनाते वक्त आपको वो कॉन्फिडेंस, वो लिबर्टी, वो प्रिविलेजेस दिए जाए जैसे आप ऑलरेडी 4-5 ब्लॉकबस्टर बना चुके हो. तो नताशा और खुशी का, जहाँ तक मेरे साथ काम करने का या मेरा उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस है, मैं ये कहूँगा कि उन्होंने मुझे हर बार हर चीज़ में सपोर्ट दिया है, कॉन्फिडेंस दिया है, और एक ब्लाइंड फेथ के साथ एक लिबर्टी दी है. हालांकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसपे हमारे बहुत सारे लंबे चौड़े क्रिएटिव डिस्कशंस हुए, और जो क्रिएटिव डिस्कशन का एक मज़ा होता है कि वो डिस्कशन कब आर्ग्यूमेंट में बदल जाता है और वो आर्ग्यूमेंट कब झगड़े में तब्दील हो जाती है आपको पता नहीं चलता है. तो हमने वो फेजेज़ भी देखे हैं, लेकिन उसके एंड में जब भी कुछ डिसीजन लेने की बात आती है तो उन्होंने हमेशा मेरे पे ये ब्लाइंड फेथ रखी है, जिसका एक प्लस पॉइंट ये है कि अगर फिल्म
लोगों को पसंद आती है तो मैं गुरूर के साथ कहूँगा कि अरे अरे मैंने बहुत कुछ किया है, लेकिन अगर फिल्म लोगों को पसंद नहीं आती है तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी ही होगी। इट्स क्वाइट एक्साइटिंग ऑब्वियसली, लाइक थिंग्स हैपन फॉर there are certain excitements which leave you numb in your life, so I would say that this particular excitement for me in my life is something which might leave me numb, because like, you know, filmmaking is, it's not an easy task, and when so you're coming from a background where it, where there is no background and you have to start digging from the notch and you keep doing things, and I've been fortunate enough to be a part or rather to have a moment in my life where I can live and I can say that okay, once in my life I made a film jiska ek poster launch hua tha aur usme main kuch media walon se mila tha jinhone mujhe aise sawal puche jo main sirf kisi aur ko puche jate the aur main dekhta tha aur main sochta tha jab mujhe puche jayenge to main aisa jawab dunga, aaj wo sare jawab jo hai wo meri slate mein se gayab hai, lekin I am honored and I am privileged that you could have right now at this very moment there were possibility ki aap sab log shayad shahrukh khan ke samne ya ritik roshan ke samne khade hote uski jagah aap जितने भी लोग हैं मेरे सामने खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग की वजह से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हाँ मैं भी कहीं ना कहीं ये दो मिनट के लिए तो शाहरुख ऋतिक ही हूँ। आई डोंट हैव फैंस राइट नाउ, आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट आई डोंट हैव फैंस राइट नाउ, बट आई एम ऑन अ जर्नी वेरी इफ आई मेक गुड सिनेमा एंड इफ पीपल लाइक दोज फिल्म आई विल एंड अप हैविंग फैंस फॉर माई फिल्म। आई बिलीव कि इंडिविजुअल फैंडम कभी नहीं होना चाहिए, वो बहुत ही हानिकारक होता है, बिकॉज वो आपको एक ओवर कॉन्फिडेंस देता है और फिर आप सोचते हो कि मैं जो बनाता हूँ वो चलता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि ज़िंदगी भर याद रखूँ कि जितने भी लोग मेरी मेरे काम को चाहते हैं या मेरे काम के ज़रिए मुझे चाहते हैं, वो इसलिए चाहते हैं क्योंकि उन्होंने मेरा काम देखा है। कोई मुझे पर्सनली मिलता नहीं है, तो जब मिले, जब मुझे पर्सनली मिले ही नहीं हो तो आप मेरे फ़ैन नहीं हो सकते। तो आप मेरे काम के फ़ैन रहोगे तो मैं शुक्रगुजार रहूँगा, अगर आप नहीं रहोगे तो मैं और शुक्रगुजार रहूँगा क्योंकि वो मुझे सिखाएगा कि क्या करना है। मैं बस दोनों को ऑल द बेस्ट विश करना चाहूँगी। इट्स इनक्रेडिबल कि दोनों ने इतनी कम उम्र में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, देव बिन सो पैशनेट अबाउट इट, कुछ करना चाहते हैं, एंड इट्स जस्ट अमेजिंग दैट देव बिन एबल टू पुल दिस थ्रू।